नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर आखिर क्यों नहीं रुक रहा दबंगों का आतंक। थाना चौबेपुर अंतर्गत काशीराम निवाड़ा इलाके में एक युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। पीड़ित युवक का नाम देव यादव है, जो कि अभी नाबालिग है। दबंगों की गुंडई से बचने के लिए देवा ने पुलिस का सहारा लेने का प्रयास किया, परंतु उसे इससे कुछ हासिल न हुआ। मारने वालों में मुख्य भूमिका अनिल अश्विनी तेज यादव है। पुलिस को बार बार प्रार्थना पत्र देने पर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही सामने नहीं आ रही है। शायद उत्तर प्रदेश पुलिस दबंग के आतंक को खत्म करने में नाकाम साबित हो रही है। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम देवा है, मेरे पिता का नाम संतोष कुमार। मैं गया था रासलीला देखने के लिए, वहाँ गया। इसके बाद अमित, अनिल और रजनेश गए ठेके पे, वहाँ गए। इन्होंने अपना दारू वारू पिया, इसके बाद आके मंदिर के सामने अपना आपस में झगड़ा करने लगे। मैं गया, जब देखा तो बीच बचाव करिया, वहाँ पर बीच बचाव किया। इसके बाद हमको वहाँ भी मारा, इसके बाद अनिल फिर अपने गए घर, अपने पिता तेज सिंह को लेकर आए और अश्विनी उर्फ सोनू को लेकर आए। इसके बाद थोड़ा आगे आलू के खेत में लाठियों से तीनों लोगों ने हमको मारा अकेले। और ये रिया हॉस्पिटल शिवली में अवैध तरीके से चलाते हैं, बोलते हैं तुम वो करोगे और कार्रवाई कोई करोगे तो तुमको जान से मार देंगे, धमकी देते रहते हैं। इसके बाद जो कोई बात बोलो, जो थाने में बोलो तो कोई कहते हैं हम ये कर देंगे, कोई कहो तो उसके बाद बोलते हैं तुमको जान से मार देंगे, तुमने कोई कार्रवाई की आज के बाद।